हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। छावला केस की पीड़िता के माता पिता से मिले मुख्यमंत्री धामी। अल्मोड़ा में 91.24 लाख की लागत से राजकीय पुस्तकालय का मुख्यमंत्री धामी ने किया लोकार्पण। पौड़ी गढ़वाल में स्वर्ण जयंती समारोह को मुख्यमंत्री धामी ने किया संबोधित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में छावला केस की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात कर कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू से भी बात की है, मामले से संबंधित वकील चारू खन्ना से भी पूरी जानकारी ली है और साथ ही कहा पूरा उत्तराखंड उनके साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉल रोड अल्मोड़ा में 91.24 लाख की लागत से राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने NCC कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य विषय पर संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से उनके शैक्षिक अनुभवों के बारे में चर्चा की, पुस्तकालय के संसाधनों के बारे में फीडबैक भी लिया। उन्होंने टाटा के CSR मद के माध्यम से रेड क्रॉस समिति अल्मोड़ा को दी गई वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। 22,000 से भी अधिक मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। आपको बता दें सभी चुनाव परिणाम 8 दिसंबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। 22वें फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में कल ग्रुप ए में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। इक्वाडोर के लिए कप्तान एनर वेलेंसिया ने 2 गोल किए। इससे पहले विश्व कप भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। रविवार देर रात जौलजीबी झूलाघाट मोटर मार्ग में एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। रविवार रात 2 लोग कार से जौलजीबी मेले से लौटकर अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। अंधेरा अधिक होने के कारण हादसे का पता आज सुबह चला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो खंड का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं से युवा रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनका पोषण करना है। 75 रचनात्मक प्रतिभाओं को एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा उनके प्रस्तुति के आधार पर चुना गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने बार काउंसिल के लिए कार्यालय और प्रदेश के वकीलों के लिए वेलफेयर स्कीम के लिए मांग पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मांगों पर सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों द्वारा हाई कोर्ट के हल्द्वानी शिफ्टिंग पर कैबिनेट की सहमति की भी सराहना की गई। हल्द्वानी पहुंचे DGP अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनके संसाधनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। DGP ने खुद माना कि प्रदेश में पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा 2023 तक में फिर से सिपाहियों की भर्ती की जाएगी जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। इसके अलावा अपराधों को रोकने के लिए बॉर्डर में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून सरकार लेकर आ रही है, लेकिन इससे पूर्व अब तक धर्मांतरण को लेकर जितने भी मामले पुलिस को संज्ञान में आए हैं उनमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारे पास शॉर्टेज बहुत है। किन्हीं कारणों से पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है। 2016 के बाद पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके भी 2022 में लगभग 2000 लोगों की भर्तियां प्रचलित हैं, जिनमें से 1521 कांस्टेबल लेवल के हैं, बाकी हैं। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद भी हम पे 2000 वैकेंसी रह जाएगी, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो एक कांस्टेबल की भर्ती हम 2023 में भी लेंगे, जिससे कि जब ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी तब हमारी शॉर्टेज जो है कम होगी। सर, बॉर्डर पुलिसिंग को किस तरह से मजबूत किया जाएगा, कुछ पुलिस को और हाईटेक किया जाए, इसे भी जरूरत है। क्योंकि बॉर्डर पुलिस के बॉर्डर के मामले में हम हमेशा से सजग हैं और नेपाल सीमा पहले के अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील हो चुकी है, तो उसी तरह से हमने अपनी पुलिस को निर्देशित किया है। SSB से भी कोऑर्डिनेट करते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल है टेक्निकली एंड अदरवाइज वो सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण के मामले में राज्य सरकार
अभी आपने कैबिनेट का निर्णय देखा है, वो इस कानून को बहुत सख्त बनाया जा रहा है। जो ही वो कानून आ जाएगा तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 10 साल की सज़ा होगी। लेकिन सर पहाड़ों में नहीं देखा तो पहाड़ों में भी मामले बढ़े हैं, देहरादून में भी आया सर। नहीं, जो भी जहाँ भी होगा और वो जो कानून के दायरे में गलत होगा तो 100% कार्रवाई होगी। LIU या इंटेलिजेंस को भी ऐसे लगाया जाएगा जो अंदरूनी पता करे, क्योंकि दबाव में ज़्यादातर कराया जा रहा है। भाई तभी तो राज्य सरकार द्वारा सख्त बिल लाया जा रहा है, और जब वो कानून आ जाएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी, और हमारी जो पुलिस और LIU पहले से भी सजग है, आगे भी सजग रहेगी और कार्रवाई करेगी एक्ट के हिसाब से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2023 से 24 तक के केंद्रीय बजट की तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न हितधारकों से बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पौड़ी गढ़वाल के जहरी खाल में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्या एक ऐसी चीज है जो बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु ही मानव जीवन को प्रकाश और उन्नति से आलोकित करने का कार्य करता है। इस महाविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भक्त दर्शन जी के कामों को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। मैं सबसे पहले तो आज भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विद्यालय परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर मैं विद्यालय की 50 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले समस्त विद्यालय के गुरुजनों का, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि उनकी मेहनत, उनके परिश्रम से विद्यालय की ये ऐतिहासिक यात्रा विद्यालय ने तय की है। भाइयों बहनों, मैं ऐसा मानता हूं कि विद्या एक ऐसी चीज है जो बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती है। गुरु ही मानव जीवन को प्रकाश एवं उन्नति से अलोकित करने का काम, सशक्त बनाने का काम, अपने पैरों पर खड़ा होने का एक माध्यम अगर कोई हम सबको प्रदान करता है तो गुरु करता है, विद्या करती है। शायद कबीरदास जी ने भी ठीक कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यानी कि गुरु के बिना कोई भी रास्ता संभव नहीं होता है। इसलिए मैं इस अवसर पर राजनीति, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता और सामाजिक जीवन में अपना अप्रतिम मानक स्थापित करने वाले भक्त दर्शन जी को, जिन्होंने चार चार बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार के मंत्री के नाते उन्होंने संपूर्ण देश को अपनी सेवा देने का काम किया, और इस साथ ही एक राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि 62 वर्ष की आयु में, अभी दिलीप रावत जी मुझे बता रहे थे कि 62 वर्ष की आयु में ही उन्होंने राजनीति को छोड़ भी दिया। एक आदर्श रूप में उन्होंने जितने काम हो सकते थे उन सभी कामों को किया। मैं उनको इस अवसर पर मैं उनको भावपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के लोगों को, उनकी बिटिया यहां पर आई थी, उन सबको मेरे हाथों आयोजकों ने सम्मानित करवाया। मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी।